अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल द खान फूडीज। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मीठा मीठा ज़रदा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा पतीला लेंगे, उसमें पानी बॉईल करेंगे और भर कर हमने पानी ले लेना है और गैस ऑन करेंगे हाई फ्लेम पर। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम 3 छोटी हरी इलायची और 3 लौंग, साथ ही ऐड करेंगे लेमन फूड कलर जो हम लेंगे 1/4 टीस्पून, और साथ ही ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून ऑरेंज रेड फूड कलर। दोनों कलर मिलाने से जो जर्दे का कलर है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल परफेक्ट कलर आता है। आप चाहें तो दोनों सिंगल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक बॉईल आने देंगे। तो देखिए यहाँ हल्का हल्का सा बॉईल आने लग गया है। अब हम यहाँ चावल ऐड करेंगे। तो ये चावल हमने लिए हैं गोल्डन सेलर चावल, जो कि बिरयानी और जर्दे के लिए स्पेशली होता है। इसे हमने 2 घंटा पहले भिगो दिया था और इसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे चावलों को पानी सुखा करके। और ज़रदा जो है वो गोल्डन बासमती राइस का बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। बस अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे। तो देखिए यहाँ एक उबाल आ गया है बहुत अच्छे से, और चावल बीच बीच में चेक करते रहेंगे जिससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चावल गलना नहीं चाहिए। तो बस 70-80% हमें इसे गलाना है। तो देखिए यहाँ इतनी कनी हमें चाहिए चावल में कि हमने तोड़ा है तो इसके 2-3 टुकड़े हो गए। तो ये हमारा चावल परफेक्ट बनकर गलकर तैयार है। तो इसे अब हम गैस ऑफ करके चावल को छान लेते हैं, इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे हम। बिल्कुल ठंडा करने के बाद हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें इन चावल को ट्रांसफ़र करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड होता है। जिन लोगों को लेयर वाला ज़रदा बनाना नहीं आता है या जो लोग डरते हैं कि हमारा ज़रदा जल जाता है, तो उनके लिए बहुत इजी मेथड है ये। तो यहाँ हमने लिए थे 500 ग्राम चावल, तो यहाँ हम ले रहे हैं 450 ग्राम चीनी। इससे जो परफेक्ट बैलेंस मिठास की जो होगी वो बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस बनकर तैयार होगा ज़रदा। तो यहाँ हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, थोड़े से कटे हुए काजू, कुछ बादाम, पिस्ता और खरबूजे के बीज और किशमिश। तो ये सब चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधे ड्राई फ्रूट्स हम रोक लेंगे बाद में डेकोरेशन के लिए, और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को। और जब चावल आपके बिल्कुल ठंडे हो जाएं, आप तभी इसमें चीनी मिलाएं। हमारे हल्के से गर्म रह गए हैं तो ये चीनी मेल्ट होने लग गई है। तो देखिए यहाँ हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब उसी बर्तन को हम अच्छे से गर्म करेंगे जिसमें हमने चावल बॉईल करे थे, गैस ऑन करेंगे और इसको अच्छे से सुखा करके इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप देसी घी, क्योंकि देसी घी में ज़रदा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशबूदार और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बट देसी घी की तो बात ही अलग होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार बनता है। तो यहाँ घी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम 3 हरी इलायची और 3 लौंग इसमें डालकर गैस ऑफ कर देंगे और घी को हल्का ठंडा होने देंगे। तो यहाँ देखिए हल्का ठंडा हो गया है, क्योंकि हम एकदम गर्म घी में अगर चावल डालेंगे तो जो चीनी है वो जल जाएगी। बस यहाँ सभी चीज़ों को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पर रख देंगे हम। अब हम हाई फ्लेम पर एक बॉईल आने देंगे, इसे ढककर पकाएंगे हम कुछ मिनट। 1-2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसमें एक उबाल आ गया है, और गैस अभी हम हाई फ्लेम पर ही रखेंगे क्योंकि अभी इसमें शुगर जो है वो मेल्ट नहीं हुई है चीनी। अब इसे फिर से हम ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे बॉईल होने देंगे, तब तक कि जब तक थोड़ा सा पानी ड्राई ना हो जाए। तो देखिए यहाँ आपको होल्स नज़र आ रहे होंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा जो शुगर का सिरप था वो थोड़ा सा ड्राई होने लग गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दूध और 1/2 कप फ्रेश मलाई। तो हमने दोनों चीज़ों को एक ही जगह ले लिया था, तो ये बिल्कुल फ्रेश मलाई है। तो मलाई और दूध डालने का रीज़न ये होता है कि आप जैसे खोआ या मावा डालना चाहते हैं तो आप बिना खोए के या बिना मावे के बहुत ज़्यादा टेस्टी ज़रदा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ा सा खुला रखेंगे, पूरा ढककर नहीं ढकेंगे, और हाई फ्लेम पर हम एक बॉईल आने देंगे। तो बस देखिए इस तरह से हमें होल्स चाहिए थे, हल्का हल्का सा ड्राई होने लग गया है। अब हम गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे
जिससे ज़र्दा हमारा जो है वो जले नहीं। और ढककर हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए दम पर। और ये जो गिलास हमने लिया है, इसी गिलास से हमने 2 गिलास चावल लिए थे और 1.25 गिलास हमने ली थी चीनी, परफेक्ट बैलेंस के लिए। मिठास की जो बैलेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो ये देखिए, यहाँ हमारा ज़र्दा जो है थोड़ा सा ड्राई हो गया है। बस हम 2-3 मिनट्स के लिए और दम पर रखेंगे इसे, और बस बीच बीच में ये ध्यान रखना है कि ज़र्दा हमारा जले नहीं। तो यहाँ हमने गैस ऑफ कर दी है, ज़र्दा हमारा बिल्कुल बनकर रेडी है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और खिला खिला ज़र्दा बनकर तैयार हुआ है। और देखिए इसमें कितनी चमक है ज़र्दे में, कितना ज़्यादा शाइनी ज़र्दा बनकर तैयार हुआ है माशाल्लाह से। और ज़र्दा जो है वो थोड़ा सा चमकदार होता है तभी अच्छा भी लगता है, बहुत ड्राई ज़र्दा अच्छा नहीं लगता है। तो अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं हम। तो ये लीजिए, हमारा गर्मा गर्म मीठा मीठा ज़र्दा बनकर तैयार है। अब इस पर हम लगाएंगे चांदी का वर्क और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गार्निश करेंगे। तो ये लीजिए, मज़ेदार सा ज़र्दा रेडी है। भाभी से बनाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।